चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर आपका 4, जो कि आपके आर एस अग्रवाल एग्जाम्पल 19 की तरह है, ट्रायंगल चैप्टर का एग्जाम्पल 19 की तरह है। वही क्वेश्चन नहीं है लेकिन हूबहू वही नहीं है, मतलब कह सकते हैं बस थोड़ा सा डाटा चेंज है, ये वाला एंगल्स वगैरह बदल दिया है, पूछ वही रहे हैं तो कॉन्सेप्ट भैया वही लगेगा। क्या है देखो, इफ़ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस, इफ़ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू लाइन और आर एस लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। तो देख रहे हो आप, पी क्यू लाइन और एस टी लाइन टी पे इंटरसेक्ट कर रहा था, सच दैट कि एंगल पी आर टी बराबर 40 डिग्री। तो पी आर टी कौन है, पी ए है, आर ये है, टी है, ये 40 डिग्री हमको दिया भी है, आर पी टी 95, ये 95 है, तो आर पी टी हो गया, ये आर पी टी एंड टी एस क्यू, तो टी एस क्यू ये 75। बोल रहा है कि फाइंड द एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी बताइए, तो ये हो गया एस, ये हो गया क्यू और ये हो गया टी, मतलब इस एंगल की बात हो रही है निकालने की, बहुत आराम से निकल जाएगा। कैसे, देखो अगर एक एक ट्रायंगल बना रहा है पी टी आर, तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो अगर दो एंगल मालूम है तो तीसरा एंगल निकाला जा सकता है। अब अगर तीसरा एंगल निकाला जा सकता है तो अगर ये एंगल जितना होगा, क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी वही होगा, बिल्कुल वही होगा, तो इसका मतलब ये एंगल यही इसके बराबर हो गया और ये एंगल निकल गया, ये एंगल निकल रहा हुआ है पहले से दिया हुआ है, तो फिर से हम कहेंगे कि टी एस क्यू जो है वो एक ट्रायंगल बना रहा है और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम फिर से 180 डिग्री, इसका मतलब इसका प्लस इसका प्लस इसका जोड़ 180 होगा, तो वहाँ से आप जो है एंगल क्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको बताते हैं आप, चलिए तो अब समझा देते हैं जो लिखे हुए हैं। हम बोले हैं कि ट्रायंगल पी आर टी, पी आर टी 95 40 और एंगल 1, इसको मान लिए हैं एंगल 1, ठीक है, वो 180 डिग्री होगा, 95 40 को जोड़ेंगे 135 आएगा, बराबर को उधर भेज दिए, 180 में से 135 घटाएंगे तो एंगल 1 जो है वो 45 आ गया। फिर हम बोलेंगे कि जो एंगल 2 है वो एंगल 1 के बराबर होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो नाउ ऑल्सो एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के बराबर है वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो इसीलिए एंगल 2 जो होगा वो 45 होगा, क्योंकि एंगल 1 हमारा निकला हुआ है 45, अब एंगल 2 भी आ गया। फिर लिखे इन ट्रायंगल टी एस क्यू, टी एस क्यू हम लिखे कि एंगल 2 का वैल्यू, फिर 75 डिग्री का वैल्यू और फिर एंगल क्यू का वैल्यू जोड़ने से 180 होगा, किस थ्योरी से, तो सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ, क्या लिख देंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ से एंगल 2 का वैल्यू 45 डिग्री यहाँ से आया हुआ है, उसको प्रिंट आउट किए, 75 पहले से था, क्यू बराबर 180, इसको जोड़ेंगे तो 120 आएगा और एंगल क्यू बराबर 180, 120 को उधर भेज दीजिए तो 120 घट जाएगा 180 में से, यानी कि 60 डिग्री, तो इस तरह से एंगल क्यू जो है वो 60 डिग्री आ गया, और इसी एंगल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एस क्यू टी, एस क्यू टी, तो इसलिए एस क्यू टी जो है वो 60 डिग्री हो गया आपका। ठीक है ना, ये कारण जरूर लिखिएगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, और यहाँ भी कारण लिखिएगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, है ना। चलिए प्रिंट कर लीजिए इसको।